डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी में काफ़ी पॉजिटिव खबर है, पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी आप देखोगे इंडिया लार्जेस्ट EMS प्रोवाइडर डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड इट्स जापान बेस्ड लॉन्ग टाइम पार्टनर रैक्सम आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एयर कॉम PCB टुगेदर इन इंडिया सीकिंग द इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडरी फॉर मैनुफैक्चरिंग वाइट गुड्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स B2B। डिक्सन इज वाइस प्रेसिडेंट अतुल लाल सैड दे आर एक्सपेक्टिंग टू गो बियॉन्ड द इंडिया मार्केट विद रैक्सम इन द फ्यूचर। फॉर द न्यू सब्सिडरी रैक्सम विल होल्ड 60% ऑफ इट्स शेयर वाइल डिक्सन ओन्स 40%। डिक्सन टेक्नोलॉजी हैज अप्लाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया PLI सब्सिडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर। तो यही खबर है, काफ़ी पॉजिटिव खबर है। डिक्सन है रैक्सम टीम अप टू प्रोड्यूस PCB इन इंडिया। तो PCB अब इंडिया में ही बनने लगेंगी और ये दोनों मिलकर बनाएंगी। डिक्सन को सभी PLI स्कीम का फ़ायदा मिलता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, काफ़ी शानदार रिटर्न है। ऐसे भी गिर रहा है तो मौका है, यही तो मौके होते हैं अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पर खरीदने का। कल रूट मोबाइल गिरा हुआ था, बताया था काफ़ी डिसेंट, अभी आज भाग गया। तो ऐसे ही मौके मिलते हैं इन स्टॉक में, और इन मौक़ों पर अगर आप भाई चौका नहीं लगा पाए तो भाई आप भागते हो स्टॉक के पीछे भागोगे, और जब वो भागेगा जब नीचे आ जाएगा भाग से तब फिर आप लॉस में कहोगे भाई सेल कर दें और लॉस बुक कर लें। तो ऐसा भाई साइकोलॉजी को कंट्रोल आप रखना पड़ेगा आपको। ये स्टॉक भी गिरता जा रहा है, हमने कई बार डिस्कस किया, सबसे पहले 4100 पे किया था, उसके बाद 3900 पे किया था, आज 3900 वाले सपोर्ट के भी नीचे चला गया, बेट है 3500 के आसपास। तो अगर भाई इन दो स्टॉक इन दो डिप्स पे आपने खरीद लिया तो बेट कर लो 3500, अगर जाता किसी भी बस सिनेरियो में जाता, मुझे दिख नहीं रहा, हो सकता है यहाँ से एक इसमें तेज़ी आ जाए इस खबर के बाद, तो या तो भाई हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन हो उसके बाद थोड़ी तेजी आए, तो ये बढ़िया मौका दिख रहा है मुझे, यहाँ पर आप लगा सकते हैं डिप अच्छी खासी। नहीं खरीदा है तो बिल्कुल ख़रीदारी की जा सकती है, और अगर इन दो डिप पे ख़रीद लिया था 4100 और 3900 वाले पे, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन हो सकता है आपको लॉस दिखे, रेड में दिखे, लेकिन सूनर और लेटर महीने बाद 2 महीने बाद ये स्टॉक आपको भागता हुआ दिखेगा। काफ़ी डिसेंट रिटर्न है, पिछले साल भी देखोगे तो बहुत बढ़िया भागा था ये, इस बार भी मुझे बढ़िया दिख रहा है। तो ये देखो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, मैंने देखो आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।